इंडिया साइंस के हिसाब से देखें तो दुनिया में 7th प्लेस पर है, पॉपुलेशन में 2nd प्लेस पर। अलग अलग जाति, धर्म, वेशभाषा एक जगह पर मिली हुई है, विविधताओं का देश, स्थान संस्थान पुण्य स्थान, ये है हिंदुस्तान। जाति का झगड़ा, धर्म का झगड़ा, पानी की समस्या, भाषा की समस्या, ऐसी इंडिया में बहुत सारी समस्याएं हैं, फिर भी एक विषय पर हमारी एकता को कोई नहीं तोड़ सकता। आप कंफ्यूज मत हो, ये क्रिकेट तो आप सब लोग देखते ही होंगे, मगर हम आपको दिखाने वाले हैं एक अलग क्रिकेट। टीवीएस वीगो कप का गली क्रिकेट का फाइनल मैच चल रहा है, लोगों में बहुत उत्साह है, दर्शकों की ओर से तालियां बज रही हैं, रॉकर्स और स्ट्राइकर्स के बीच में मैच चल रहा है और अब रॉकर्स टीम की आखिरी ओवर की पहली बॉल। रॉकर्स टीम का बॉलर बॉल डालने के लिए तैयार है, आने वाली बॉल का सामना करने के लिए मलिंगा सामने खड़े हैं। रॉकर्स टीम के रोहित बॉल को फेंक रहे हैं, बैटिंग छोड़ के वो फील्डिंग कर रहे हैं। किसने मुझे बॉल से मारा, ऐसा गुस्से में सबकी तरफ देख रहे हैं। खेल इस समय रुका हुआ है, वो समझ नहीं पा रहे क्या करें। अच्छा सुनिए जरा, देख यार तू बॉलर का चेहरा मत देख, टेंशन हो जाएगा, सिर्फ बॉल को देख ले और डिफेंस खेल, एक रन ले ले और फिर मुझे स्ट्राइक दे, बाकी मैं संभालूंगा। ओके चल जा, ओके ना। हाँ मारो भाई, मारो मारो। अब बॉल को खेलने के लिए तैयार है मलिंगा, मलिंगा रन लेने के लिए सक्सेस हो रहे हैं। मलिंगा ने दौड़ के रन पूरा कर लिया है और अब मेन खिलाड़ी स्ट्राइक पर आए हैं। जेके के फैंस सिक्स मांग रहे हैं, ग्रेट में जेके है, शानदार शॉट दर्शकों के लिए, उनके चेहरे पर कुछ देखिए। धीरे धीरे रन रेट आगे बढ़ रहा है, बॉलर आगे बढ़ रहे हैं, बॉल को फेंक रहे हैं और ये देखिए आराम उन्होंने विकेट ले लिया और इसी के साथ आउट। अरे 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 ये क्या हो गया, क्लीन बोल्ड हो गए। जेके का चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे जेब में पैसे नहीं होते हैं, तभी बाहर की याद आती है, पैसा बन गए हैं। डालने वाले को टीम शाबाशी दे रही है, एक एक बॉल से एक एक रन लिया तो भी तीन बॉल में तीन रन बन सकते हैं, लेकिन उन्हें चार रन की जरूरत है। ऐसे हालत में स्ट्राइकर को उन्हें हार भी मिल सकती है। बॉलर का चेहरा देखकर बिल्कुल मत डरना, बस बॉल पे कॉन्सेंट्रेट करना, तू बस एक रन लेना बाकी मैं सब संभाल लूंगा, ठीक है? चल ऑल द बेस्ट। हाँ बढ़िया से खेल। ऐसी टेंशन में जे के पीछे बैठकर मैच देख रहे हैं। बॉलर ने बॉल डाल दिया, आज ही बॉल का डिफेंस देखिए। सामने वाला तू माता मैं ही आके बैटिंग करूंगा, ऐसा बोलकर हाथ दिखा रहे हैं। बॉलर को बॉल वापस मिल गई है, वो फिर से बॉल डालने के लिए तैयार है। कम ऑन बॉयज, मलिंगा के चेहरे पे टेंशन है, बॉलर फिर से बॉल डालने के लिए तैयार है। बॉलर बॉल फेंकने ही वाला है और शानदार शॉट मारा, रन लेने के लिए भाग रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बॉल बाउंड्री के पास थी लेकिन फील्डर गिर गया। ओ माय गॉड, ये लोग रन लेने के लिए और अब इसी के साथ रॉकर्स टीम मैच जीत चुकी है और जीती हुई टीम खुशी का इजहार कर रही है, उन्होंने टीवीएस वीगो कप जीत लिया है। ये हैं हमारी फिल्म के हीरो, दूसरी टीम वाले इन्हें चोर पालिया स्ट्राइकर्स कह के बुलाते हैं। एक्चुअली इस टीम का नाम है चोलुरु पालिया स्ट्राइकर्स। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को चोर पालिया, क्यों सर? चोर पालिया ही है ना? क्यों सर? ओके चोलुरु पालिया स्ट्राइकर्स। ओके थैंक यू सर। ओके एनीवे, मागी रोड के बाजू में रहने वाले प्रसन्ना थिएटर के पीछे ही है ये चोलुरु पालिया रोड। इसका नाम है ध्रुव, ये हमेशा विकेट के पीछे ही भागता रहता है, स्ट्राइकर्स टीम का विकेट कीपर। जेबी नगर में फुल टाइम ये कप्पा रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता है। ये है महालिंगा, सब इसे मलिंगा कहकर ही बुलाते हैं। दिन में तो ये बहुत अच्छा दिखता है लेकिन रात में थोड़ा मुश्किल है, ऑलराउंडर हूँ ऐसा बोलता फिरता रहता है, लेकिन अभी तक इसने कैच तक नहीं पकड़ा। मलिंगा की खुद की एक बेकरी है और ये मस्का लगाने में तो नंबर वन है। हाय। और मस्का भी ऐसा लगाता है कि आपको पता भी ना चला। ये क्या जी, तुमने ऐसा कह दिया।
ये है राजीव, सुपर बैट्समैन, सच में सुपर बैट्समैन। बॉलर के सामने कभी डरता नहीं है। 6 साल से डिग्री पढ़ रहा है लेकिन पास नहीं हो पाया, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि वो क्या पढ़ रहा है। ये है मदेशा, निकनेम शंकर। बॉल अगर गलती से भी कनेक्ट हो गई तो पक्का सुपर हिट। ये 2 एम्बुलेंस का ओनर है और बहुत ही सिंसियर। ये है कार्तिक, जेके कैप्टन, जेके बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर है, फ्रेंड्स के लिए कुछ भी करता है, मगर ये करता क्या है ये इसे भी नहीं पता है, थोड़ा अजीब है। ये है मन, इसका बैट ही इसका सेंटिमेंट है, और वो क्यों है ये आपको पता चल ही जाएगा। ये एक मैकेनिक शॉप में काम करता है और क्रिकेट इसके खून में ही है, क्योंकि इसके पिताजी स्ट्राइकर्स टीम के पुराने कैप्टन थे। ये है कुमार, एलियस ऑटो कुमार। ये स्ट्राइकर्स टीम का डिफरेंट बैट्समैन है और ये अपने आप में बहुत ही फिल्मी है। ये है ताज, एलियस बंडी। इसे सिर्फ बाइक राइडिंग ही आती है और एक अजीब सा पागलपन है इसके अंदर, जस्ट फॉर द क्रिकेट। दिस इज विकी, प्रोफेशनल तरीके से खेलता है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। और ये है रघु, ऑलराउंडर स्टूडेंट, सिर्फ नाम के लिए, क्योंकि क्लास में कम ग्राउंड पे ज्यादा नजर आता है, देख सकते हैं आप। ये है वादी, स्ट्राइकर्स टीम का एक और ऑलराउंडर, दोस्ती के नाम पर शेर है। और ये है टीम मैनेजर एनी, नमस्ते। जैसे सीसीएल टीम का केडी है वैसे ही स्ट्राइकर्स टीम का ये भी है। ये है गोविंदा, मैनेजर एनी का असिस्टेंट। जरा इसकी हेयर स्टाइल तो देखिए, 4 लोग दुकान पर अगर आते हैं तो उसकी वजह ये ही है। ये है एनी, स्ट्राइकर्स टीम का मामा, चाचा, बड़ा पापा, मैनेजर, कैशियर वगैरह वगैरह सब कुछ। मगर इनसे पूछे तो मैं स्ट्राइकर्स टीम का मैनेजर हूँ, बस ये ऐसे ही कहता रहता है। और ये है कृष्णप्पा, एलियस किट्टी, कैप्टन जेके का बड़ा भाई। बैंगलोर 23 में ये जो कहता है वही न्याय है, जो सुनाता है वही फैसला, एक तरह से स्ट्राइकर्स टीम का बॉस। इसे बाहर कर। ये लोग अपनी खुशी के लिए क्रिकेट खेलते हैं, बोर होते हैं तब भी क्रिकेट खेलते हैं, कुछ करो या ना करो क्रिकेट तो खेलना ही है। लेकिन आजकल सबके सब किसी प्रॉब्लम में है। तो फिर क्रिकेट खेला? पापा सब देख रहे हैं, तू मेरी औलाद है ही नहीं। चल सेकंड शो फिल्म देखने चलते हैं। क्या कह रहे, फिल्म का सेकंड शो देखने जाएगा तू? मगर इन सबकी अगर किसी से दुश्मनी है तो वो है मल्लेश्वरम रॉकर्स। ये लोग ग्राउंड में सिर्फ खेलते हैं लेकिन बाकी जहां कहीं भी मिलते हैं मारपीट करते हैं। आपने थोड़ी देर पहले देखा था 34 साल का टीवीएस वीगो कप। पिछले 4 सालों से रॉकर्स टीम जीतते हुए आ रही है और पिछले 3 सालों से स्ट्राइकर्स फाइनल में आकर हमेशा हार रहे हैं। अगले साल टूर्नामेंट को थोड़ा बड़ा करने के लिए टीवीएस वालों ने एक प्लान बनाया और उनके प्लान के मुताबिक अगले साल 64 टीमें खेलेंगे। हारे हुए स्ट्राइकर्स अगले साल जीत पाएंगे या नहीं, ये आप आगे देखिए। इन सभी लोगों की दोस्ती, प्यार, झगड़ा, मजाक, हंसी, दुख, चलिए हम सब मिलकर देखते हैं। ऐसा ही साहब को बोल देना मैं रखता हूं, ओके? अरे कॉफी मेरे भूखे पास क्यों ला रही हो? ठीक है ठीक है, उन लोगों से कहिए ना कि एडवांस थोड़ा कम करे। सब कुछ मैं ही याद रखूं क्या? अरे मेरी ही इतनी टेंशन है, अब मैं क्या करूं बताओ? हाँ हाँ, सब कुछ मैं ही आपको याद दिलाती रहूंगी ना। आपको कहाँ कुछ पड़ी है इस घर की? यूनिफॉर्म पहनते हैं और पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। ये लीजिए कॉफी आपकी। दूध का पैसा नहीं देंगे, पेपर का बिल, लाइट बिल, पानी का बिल कुछ नहीं देते। एक बिल नहीं भरा, एडवांस कम करने की बात करती हूँ तो गुस्सा करते रहते हैं। कुछ भी कीजिए, मुझे कुछ नहीं पता। क्यों चिल्ला रही हो माँ? तुम्हारे पापा है ना, एक भी जिम्मेदारी नहीं लेनी है उन्हें। चंदन क्या है पापा? ये पकड़ो, गैस की दुकान पर जाओ, वहाँ मूर्ति अंकल मिलेंगे, वो साइन करके देंगे। वहाँ से गोदाम में जाना और गैस लेकर आना। ओके पापा। चोर पालिया? चोर पालिया नहीं बेटा, चोलूरू पालिया। वही पापा, चोलूरू पालिया, सड़ा हुआ एरिया है पापा। इतना भी सड़ा हुआ नहीं है, जा जल्दी से काम करके आ जा। माँ मैं कह दे रहा हूँ मैं उस एरिया में नहीं जाऊंगा। शारदा मैं जा रहा हूँ। हाँ ठीक है जी। माँ मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ, और तुम क्या कर रही हो? क्या हुआ तुम्हें?
माँ मुझे उस एरिया के लड़कों से नहीं जमता है। तुम्हारे पिताजी ने काम दिया है ना, करके आओ जाओ। देखो माँ, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, चाहिए तो आप और पापा वहाँ जाकर रहो, मैं वहाँ नहीं आ रहा हूँ। मैं यही कहीं रूम लेकर रहूंगा, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो बेटा, तुम हमारे इकलौते बेटे हो, तुम्हारे पापा का ट्रांसफर हुआ इसलिए तो यहाँ आए हैं, उन्हें ऑलरेडी कितने काम है, वो जा सकते हैं क्या? समझो ना जरा बात को। आप चाहे कुछ भी कहो माँ, मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगा। अरे पागल, चाबी तो घुमा, तभी तो स्टार्ट होगी ना बाइक। अच्छा भैया कॉफी लीजिए। ठीक है, कर देना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। क्यों मलिंगा, अंडे लेकर कहाँ जा रहे हो? ऑमलेट बनाने, तू भी आएगी क्या? क्या पूछा रे, अंडे फोड़ दूंगा, जा चुपचाप। चुप चुप कर, निकल यहाँ से, बहुत जबान चलने लगी है तेरी। बात करता है। पागलपन छोड़ो और ये सामान उठाओ, चलो। भाई इसका क्या करूं? तू ही बता यार। ठीक है जा। ये हमारा एरिया है, समझाना। ए, ये क्या है रे? रॉकर्स टीम वालों ने जानबूझकर इसे हमारे एरिया में भेजा होगा, मैं जानता हूँ। ओहो यार, ये तो वही है ना, रॉकर्स टीम का चमिंडा। सही टाइम पे वो हम पर नजर रखने के लिए आया है। इसीलिए कह रहा हूँ कि हमें अच्छे कपड़े पहनना चाहिए। टाइम दिखा कितना हुआ, कितने बजे हैं? 420। 9:45। क्या कहा, 9:45? भाई थोड़ा साइड देना। ए बेवकूफ, पीछे से लगे जा रहा है, दिख नहीं रहा है क्या? थोड़ी जगह दो, पता नहीं कैसे चलते हैं। फंस गया मैं तो गया। सारे कमीने यहीं पर है, कहां लाकर फंसा दिया आपने पापा? थू, कमीने लोग। ए बेवकूफ, इस तरफ रख। सारा सामान शिफ्ट हो गया ना। बलराम हंस क्यों रहे हो? वो क्या है ना, ध्रुव लेट आया है। हाँ हाँ। मैनेजर अंदर बुला के उस पे चिल्ला रहा है, वही मैं सुन रहा हूँ। अरे ये तो इसका रोज का है। ए, तुमने अंदर क्या बोलकर उसे कन्विंस किया? अरे वो इधर सुन, मैंने उसे कहा कि मुझे फांसी लगानी पड़ेगी अगर मेरी नौकरी चली गई तो। अच्छा, अंदर से आर सुनाई दे रहा था मुझे। यार तेरी गर्लफ्रेंड आई है मुझे लगता है। कहाँ गई वो? योर कॉफी सर। या प्लीज, हैव अ नाइस डे सर। क्या हुआ, मिली नहीं क्या? अरे नहीं यार। अरे यार, वो क्या है कि इतनी कारें देखकर, इतने सारे लोगों को देखकर मुझे लगा कि वो आई हुई है। सॉरी यार, सॉरी यार, सॉरी। क्या कर रहे हो?
अरे माँ तुम क्या माँ ये तुम किस रूप में हो माँ सुबह से उठकर तुम्हारे पिताजी काम पर लग जाते हैं और तुम आराम से सोए रहते हो शर्म नहीं आती तुम्हें जाओ जाकर दूध लेकर आओ ये तुम क्या बोल रही हो माँ क्यों जो कहा समझ में नहीं आया ठीक से समझाओ क्या जाओ जाकर दूध लेकर आओ ना कॉलेज जाते हो ना घर का कोई काम करते हो दिन ब दिन बड़े ही आलसी होते जा रहे हो तुम अबे साइड होकर चल दिखता नहीं है क्या अरे ये लीजिए ए चंदन तुम्हारे पिताजी कैसे हैं ठीक है अंकल जी चंदन यहीं आ रहा है आजा बेटे आजा एक कोल्ड ड्रिंक दीजिए बोलना मैंने याद किया ओके अंकल आजा 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 मेरे राजा तू आजा तेरा बचाऊंगा बाजा एक लीटर दूध दो हाँ हाँ मैडम बोलिए बिस्किट ऐसा पोड़ा दिया ये लीजिए एक लीटर दूध दो भैया हाँ क्या चाहिए बिस्किट दो ना अच्छा अब, कौन सी बिस्किट क्रीम बिस्किट हेलो हेलो क्या चाहिए तुमको आप क्या चाहिए तुमको एक लीटर दूध मांग रहा हूँ तुम सुन ही नहीं रहे हो एक बिस्कुट देना भाई एक पैकेट दूध अभी देखना इसको चेंज के लिए कैसे नचाता हूँ मैं दूध चाहिए था हेलो अरे भाई पैसे तो ले लो तुम्हें पैसे नहीं चाहिए क्या हेलो क्या हुआ चेंज नहीं है जाके चेंज लेकर आ मॉर्निंग को चेंज करना कितने का 10 के नोट चाहिए या 20 के नोट चाहिए तुम्हारी मर्जी एक दो तीन चार पाँच सात आठ ग्यारह बारह ये लो 10 रुपए एक्स्ट्रा भी हैं हैं थैंक यू अपनी बहन को बोलना चेंज के लिए यहीं पर आए चंदन के बेटे मेरे से पंगा लेगा तू अब देखता हूँ तुझे दूध कौन देता है अभी उसके बारे में क्यों बात कर रहा है ए वो अपनी दुश्मन टीम वाला है अपने एरिया में आया है तो क्यों आया है किस लिए आया है ये जानना जरूरी है ना अरे मुझे क्या करना है अगर मुझसे पंगा लेगा तो उसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा अरे ऐसा मत करना पता है उसका बाप पुलिस में है अगर गलती से भी उससे पंगा लिया तो पूरी लाठी पता है ना क्या होगा तेरा ओपन मैं कृष्णा का भाई हूँ जानता है ना कृष्णा का भाई है तो एक्सक्यूज मी तो अरे आप बैठिए ना अरे पुलिस वाला मारेगा तो दर्द नहीं होगा आप बैठिए ना क्यों ब्रदर इस एरिया में नए हो क्या यस इस सैलून के बारे में जानते नहीं हो नो अपने बाल भी बॉबी देओल की तरह रखे हैं थैंक यू अभी तो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अच्छे से फंस गए हो भगवान पर भरोसा करके बैठ जाओ सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर ज्यादा डर लगे तो राम नाम जपना वो तुम्हारी नैया पार लगा देंगे तू चुप रहना आप बैठिए सर चलो एक तो बच गया क्यों बे बोला ना उठ और निकल यहां से अबे मैंने उसे बचाया तो गलत किया क्या चल यहाँ पे मसाज करूंगा और इसी से काट डालूंगा तुझे चल ठीक है इस एरिया में तेरा अकेले का ही सलून है क्या बाद में आता हूँ जा 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 क्या हुआ भाई इतना गरम क्यों हो रहे हो करवाता है और जो ग्राहक आता है उसको भी यहाँ से भगा देता है ये क्या हुआ भाई इतना टेंशन में लग रहे हो अरे आ बैठना बैठ क्या करना कटिंग या शेविंग बोलो गोविंदा 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 कहाँ गया भाई क्या हुआ कटिंग करवानी है यार कटिंग करवानी है ना मैं अभी कटिंग करता हूँ तेरी बोल क्या चाहता है कूल कूल जाकर देखना पापा टीवी में मस्त फिल्म आ रही है अरे वो कहां जाएगी सुंदर राज जी है क्या अंदर आइए ए सुंदर मोहन आओ बैठो बैठो अब बताओ क्या हाल चाल है मैं ठीक हूं यही मेरा बेटा है चंदन 2400 घंटे क्रिकेट 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 इसका भी वही शौक है कॉफी लीजिए थैंक्स बहन जी कैसी हैं मैं ठीक हूँ आप अपने बेटे के बारे में बता रहे हैं मेरे बेटे का भी यही हाल है क्रिकेट के पीछे पागल है तुम्हारा बेटा तो बहुत ही साइलेंट खड़ा है यार ये उस एरिया से इस एरिया में आया है ना अपने दोस्तों को मिस कर रहा है क्रिकेट खेलने को भी नहीं मिल रहा है इसलिए थोड़ा डल है चिंता की कोई बात नहीं है मेरे बेटे का भी एक टीम है बेटे कौन सी टीम है तेरी स्ट्राइकर्स क्या
साई कोरस। साई कोरस नहीं अंकल, स्ट्राइकर्स। स्ट्राइकर्स हो या रॉकर, छोड़ उसको। इसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेना। पापा आप चुप रहिए, वो मेरी बेटी है सुधा। नमस्ते अंकल। लास्ट टाइम देखा तो इतनी सी थी, इतनी जल्दी बड़ी हो गई। लड़कियां तो ऐसे ही होती हैं। देखो बेटी, ये है मेरा बेटा चंदन। हाय। हाय। ए, साइड साइड साइड। अरे पागल हो क्या, साइड हटो। लोग कभी ना कभी तुझे पकड़ कर मारेंगे। अरे ऐसे कैसे मारेंगे, बॉल डालना। सुन, अरे ये बैट मुझे दे पागल, कोई इस तरह कोई विकेट पे ठोकता है क्या? अरे बैट दे, अरे बैट दे, अरे बैट देना। चल जा वहाँ पे खड़ा रहे। चलो चलो चलो, हम लोग तैयार है। कार्तिक, अरे देख तेरे भैया आए हैं। ए वो देख तुझको बुला रहे हैं। चल चल चल, बैठ दे बैठ दे। क्या भैया, बैटिंग मैच है क्या? नहीं भैया। ठीक है बैठो, बैटिंग करने देना। अरे मुझे दे यार, पकड़ से। चलो। इन्होंने 10 मांगा था, रेड्डी जी ने 11:40 बोल के डन कर दिया और एडवांस भी दिया और डील क्लोज हो गई। 7 तारीख को रेड्डी ने कितने पर मांगा था? 8। फिर ये 10 सर। तो प्रॉब्लम क्या है? देखो सर, 1:40 ज्यादा देकर एग्रीमेंट को रेड्डी जी ने डन किया है, सेम डे एडवांस भी दिया है सर। अगर उस दिन आपने एडवांस मांगा होता तो मैं आपका एडवांस दे ही देता ना। हे तुम चुप रहो यार, अगर उस दिन एडवांस दे देते तो इतनी प्रॉब्लम होती क्या? सर उस दिन ज्योतिष के हिसाब से कहा था कि दिन अच्छा नहीं है। गलती तुम्हारी ही है, उस दिन एडवांस देकर एग्रीमेंट बना लेते तो आज ये दिन नहीं आता। ज्योतिष ने कहा दिन अच्छा नहीं है, फालतू बात करते हो। अब देखो ऐसे फ्रॉड के पास आकर बैठना पड़ रहा है। सर इस तरीके से बात मत कीजिए मुझसे, जो ज्यादा प्राइस देगा उसी को बेचना हमारा काम है। ऊंची आवाज में बात मत कर। नमस्ते सर। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं राजशेखर रेड्डी का बेटा हूँ, पापा ने फाइल चेक करके साइन करने के लिए कहा है। आपने 7 तारीख को 8 लाख की बात की और इसने 10 लाख की बात की। ए, इसका एडवांस वापस कर दे। सर ये कौन है जो ऐसी बात कर रहे हैं? सर फाइल दो सर। हेलो सर, फाइल दो सर। ए, मुझे छूकर बात नहीं करना। छूकर बात क्यों नहीं करूं, फाइल दो मेरी। छूने के लिए बना क्या था ना तेरी इतनी हिम्मत, चल निकल यहाँ से। चलो चलो। कार्तिक। हाँ भैया। तुमने देखा ना, बिना हाथ उठाए कोई काम ही नहीं होता है। जी भैया। अच्छा सुन, कल नया एग्रीमेंट बनाकर एडवांस दे देना। ओके सर। कल तेरे साथ मेरा भाई आएगा। चलता हूँ। अरे अरे छोड़ो मुझे। चल 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 ना। छोड़ो, चल गाड़ी में चल। अरे छोड़ो। अरे बैठना। चल। ए, उसने हाथ उठाया मेरे ऊपर और उसे तुमने कुछ भी नहीं बोला। ए भगवान। और तुम मुझे शांति से बैठने के लिए बोल रहे हो? अगर तुम वादे लेकर नहीं आते तो मैं उसे छोड़ता नहीं। मैं जा रहा हूँ, बाय। चंदू इस वक्त कहाँ जा रहा है बेटा? घर के कितने सारे काम बाकी हैं? लाइट बिल तो भरना है ना चंदू? माँ तुम जाकर भर दो ना, मेरे मैच का टाइम हो गया है। ये खेलो। अरे क्या यार, तुम लोगों ने इतनी जल्दी मैच क्यों स्टार्ट कर दिया? स्टार्ट हुए तो बहुत देर हो गई है, तुम तो अब आ रहे हो। मार दिया चौका। अरे यार तुम कितना लेट आए हो ना। अरे तुम लोगों ने 9 बजे आने को कहा था ना। 9 बजे बोला तो 9 बजे ही आएगा क्या? सब लोग जल्दी आ गए तो स्टार्ट कर दिया। ए तू जा। ओके यार। ओके ओके ओके। हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मैं कब जाऊंगा यार? देख तेरे बदले ओपनिंग आज राम गया है। सच कहूँ तो बहुत अच्छा खेला उसने, 3 ओवर में ही 30 रन ठोके हैं। ए फोर फोर। क्या बोला? वाह मार मार। ए सुनना, एक मैच की तो बात है, अगले मैच में तू भी खेल लेना। प्रैक्टिस में आता नहीं है, सीधा मैच ही खेलेगा तू। जल्दी 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 कर। चंदू खाना तैयार है बेटा, कर खा ले, ठंडा हो जाएगा, जल्दी आओ। मैं अभी खाना नहीं खाऊंगा माँ। अरे खाना ठंडा हो जाएगा बेटा, थोड़ा सा तो खा ले।
अरे माँ, तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो? तुम्हें भूख लगी है तो तुम खा लो ना। अगर तुम्हें नहीं खाना है तो मत खाओ। बगल वाले गैरेज में तुम्हारे पापा अपनी गाड़ी छोड़कर आए हैं, वो जाकर ले आओ। तुम लेकर नहीं आओगे तो कल तुम्हारे पापा को चलकर जाना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन के बाजू में ही घर चाहिए, ऐसा बोलकर उस एरिया से इस एरिया में क्यों शिफ्ट हुए? तुम्हारे पति को अभी बाइक की क्या जरूरत है? बोलो उन्हें चलकर जाएं। चंदू, मैं देख रही हूँ आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो। बगल के गैरेज में जाके अपने पापा की गाड़ी नहीं ला सकते हो क्या? क्रिकेट खेलने के लिए तो 10 किलोमीटर दूर तक दौड़ कर जाते हो। ठीक है माँ, ठीक है, अब मैं क्रिकेट खेलने नहीं जाऊँगा, कभी नहीं जाऊँगा, ठीक है? ए रुक, अरे सॉरी सॉरी भैया, पहले की यही जगह है क्या? पागल हो, चल बता किसने बॉल मारी। अरे कौन है रे ताज, बता, घर के अंदर बॉल मारते हो? आजा आजा आजा, क्या बात है, बड़े गुस्से में है तू? चढ़ गई, चिल्लाते हुए आ रहा है ये। देख तू ज्यादा मत बोल, छोड़ो। अरे क्या, किसने बॉल मारी? ऑस्ट्रेलिया से मैकबेल ने मारा है तो बॉल यहाँ आकर गिरी। क्या बात कर रहा है तू? क्रिकेट खेल खेल कर हम लोग बोर हो गए, अभी पतंग उड़ाना चाहते हैं। धागा पकड़ने वाला कोई नहीं है, तू आएगा क्या? मुझे फैशन देखना, मेरे घर में एफटीवी नहीं आ रहा, तेरे घर में आ रहा है क्या? सॉरी भाई, सॉरी बोलना। अरे सॉरी बोलने से मेरी दादी का फ्रेम बन जाएगा क्या? अरे यार, मैंने बोला था ना, इसकी दादी का ही फोटो होगा। करेक्ट बोला, करेक्ट बोला। तेरे घर में दादी का फ्रेम टूटा, मेरे घर में दूध फट गया से। अरे सॉरी बोलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? अबे यार, इसको इजगार्ड देकर भेज, सब सही हो जाएगा। देखो ये सब ठीक नहीं है, ठीक है। अरे क्रिकेट खेलने के लिए और कोई जगह नहीं मिलेगा? छोड़ो ना, झगड़ा कर रहे हो भाई, समझा ना। जा ये ले बॉल। अरे क्या यार, ऐसे कोई बॉल फेंकता है क्या? अपने क्रिकेट कैरियर में मैंने पहली बार कैच छोड़ा है, समझे? अरे मजाक कर रहा था यार, बजाऊंगा पहले उसको फिर बाद में तुझको। अरे इसे छोड़ो, अगर मेरे बाप को पता चलेगा तो बहुत झगड़ा होगा। हम लोग कितने मजे से खेल रहे थे, उसने तो आकर मूड खराब कर दिया यार। मूड खराब हुआ ना तो चलो चलकर पीते हैं। क्या यार, इस वक्त तुम लोग पीने की याद दिला रहे हो? यार बॉडी हीट होती है तो तेल लगाते हैं, और जब सर हीट होता है तो अपन पीते हैं। अरे यार मगर पैसा पैसा पैसा, ये में पैसे तो है ना। गोविंद भाई, गोविंद भाई सुनो, मैं भी निकलता हूं। अरे भाई तुम लोग जा कहां रहे हो? मैं भी चलता हूं यार। अरे यार पहले हाथ तो मिला, आज तू अपने पैसे से पी ले, कल मैं तुझे पिला दूंगा। अरे मन्नू रुक, मैं भी आ रहा हूँ। अरे मेरे पास पैसे कहाँ हैं? अरे यार तुम लोग कैसे लोग हो, मूड बनाकर तुम लोग मुझे अकेला छोड़कर चले गए, अब मैं क्या करूँगा? हाँ ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। जब तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होता है तो तुम्हें मेरी ही याद आती है, क्यों? सही कहा ना? ऐसे नहीं अंकल, हमारे टीम के आप ही ओपनर हो, ऐसा फिक्स होकर ही आया हूँ अंकल। जरा देखो तो, कैची पकड़ने वाला हाथ है क्या? अरे ओपनिंग बैट्समैन का हाथ है ये। राहुल, सचिन, गेल, तीनों का मिक्सचर, 3-in-1 की बॉडी है ये। तो फिर बोलो, एनी भाई की जय, एनी भाई की जय। बेकार की बातें करके मुझे चने के झाड़ पे चढ़ाने की कोशिश मत करो। देखो कितनी शॉर्ट हाइट का है, जो ओपनिंग जाता है उसकी हाइट भी अच्छी होती है, शॉर्ट हाइटेड को ओपनिंग नहीं भेज सकते। सच कह रहा है क्या तू? क्या यार भाई, हटो हटो भाई। भाई मेरे पास एक आइडिया है ना भाई। क्या? बैटिंग लगाकर मैच खेलो और जीत जाओ, पैसा भी मिलेगा और एंजॉयमेंट भी करो। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है यार। यार यहाँ भी कोई नहीं है। अरे यार ये लोग तो बच्चे हैं। ओए ये देखो, स्कूल से भाग कर ये लोग यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं। अरे अपने दिमाग में ये आइडिया क्यों नहीं आया? हम लोग कभी स्कूल गए थे क्या? गए होते तभी आइडिया आता ना। भाई भाई हमारे कपड़े हैं। ये शर्ट तेरी है क्या? हाँ भाई। ए, लगता है मैंने तुझे कहीं देखा भाई है। भाई देखा होगा, लेकिन हमारे कपड़े दे दो, हम यहाँ से चले जाएंगे भाई। ए, तू डॉक्टर महेश का बेटा है ना? हाँ भाई। अरे अच्छा रुक, तुझे बताता हूँ, चल निकाल। भाई भाई ऐसा मत करना भाई, भाई फोन चाहिए ना, प्लीज निकाल। भाई प्लीज ऐसा मत करना भाई, स्कूल से भाग कर तुम लोग यहाँ क्रिकेट खेलते हो? ऐसा मत करो प्लीज भाई, प्लीज। बिजी बता रहा है ना? हाँ यार बिजी बता रहा है, डॉक्टर है ना, बिजी तो रहेगा ही। तो अब इसके साथ क्या करना है? प्लीज भाई एक चांस दे दो भाई, प्लीज भाई प्लीज लास्ट चांस दे दो भाई, प्लीज ऐसा मत करना भाई। इस उम्र में तुम लोग ऐसा कर रहे हो तो कॉलेज जाओगे तो क्या करोगे बताओ? भाई हम लोग बंक मारकर फिल्म थोड़ी देखने गए थे। अबे तेरी तो शकीला की मूवी देखने जाएगा, रुक बताता हूँ इसके बाप को। ऐसा मत करना भाई, प्लीज भाई। मूवी देखने जाएगा, मैं दिखाता हूँ तेरे को मूवी। फोन करूँ क्या? मत करना, हमारे साथ बैटिंग मैच खेलेगा? आप लोगों के साथ हम? अरे टेंशन मत ले, मैं लेफ्ट हैंडेड खेलूंगा। बैटिंग मैच खेलने का पैसा नहीं है हमारे पास। जाओ जाओ, तुम्हारे पास जितना है उतना लेकर आ जाओ। जाओ जाओ, तेरे पास निकाल, जल्दी निकाल। भाई हमारे पास 850 रुपए ही है। क्या बोला? 850 ही रुपए है क्या? ठीक है एडजस्ट कर लेते हैं, तुम लोग निकलो। ठीक है भाई, ठीक है भाई।
क्या बात है अन्ना छोड़। अरे भाई यार देखो ना टॉस करो। टॉस कर यार मेरे पास सिक्का नहीं है 2000 का नोट है। मेरे पास कॉइन है। चल चल टॉस कर। टेल्स भाई क्या लेना है? अरे बोलो ना यार। टॉस हार गए। हार गए यार। चल बोल भाई क्या चाहिए। भाई आप लोग बैटिंग करो हम लोग फील्डिंग करेंगे। अरे तू सुपर यार। ये ले बॉलिंग अच्छे से करना। तुझे एक स्लिप बस है ना? मुझे दो स्लिप चाहिए। तुझे दो स्लिप चाहिए। इधर आ देख वाइड मत डालना बॉल मिडल में डालना ठीक है? चलो ए बच्चे जल्दी बॉल करो बैट्समैन तैयार है। ए जल्दी करना भाई। हाँ, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच। ए तू यहाँ क्या कर रहा है? फील्डिंग भाई। अबे पीछे जा चेहरे पर बॉल लगेगा चेहरा खराब हो जाएगा। हाँ, फिकर मत करो भाई। ए तू बॉल डाल। लेफ्ट साइड में बॉल क्यों डाल रहा है? ऑन साइड में बॉल को डालना समझने की कोशिश कर। हमारे पास सिर्फ 3 ओवर्स बचे मेरे भाई। अरे यार तू ऐसे क्यों बॉल डाल रहा है? यार मैं कैसे भी डाल रहा हूं वो तो मारे जा रहा है। यार अब रोने से क्या फायदा? मेरा बैट ले गए वो लोग। My friend Pooja. Hi. Hello. One more coffee, please. तो और बताओ, everything is fine? Oh. Okay. ये कहाँ चली गई? मैं यहाँ हूँ। तुम मुझे वहाँ ढूँढ रहे हो ना? Come on, सच बताओ। दूर से ही आंखों से लाइन मारकर गायब होना चाहते हो? नहीं नहीं ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ओके मैं यकीन करूंगी मिस्टर ध्रुव। तुम्हारा नाम ध्रुव ही है ना? यस और नो? यस। ओके आई एम स्वाति। हेलो। अब आज से दूर से ही मुझ पर लाइन मत मारा करो। सीधा वहाँ आकर मुझसे बात किया करो ठीक है? सच कहूँ तो आपका नेचर बहुत ही अच्छा है। थैंक यू। वैसे वो जो आपके साथ बैठा है वो कौन है? वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो? नहीं, अरे फ्रेंड यार। वैसे मुझे पता है कि वो आपका बॉयफ्रेंड नहीं है। ये सब बहुत अच्छे से समझ गए तुम है ना? सो क्यूट। अबे छपरी क्या बात है क्या थ्रो है यार इसका? यार मुझे तुझसे ना एक जरूरी बात कहनी है। मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो सुंदर नहीं बहुत सुंदर है यार। ऐसा क्या? एक्चुअली बताऊं वो कॉफी शॉप में मुझे देखने के लिए आके उसकी आंखें कमाल की हैं। कोई भी उसे एक बार देखेगा तो बस देखते ही रह जाएगा। इतनी खूबसूरत है यार वो। क्या आंखें हैं उसकी, लगता है कोई अप्सरा जमीन पे आ गई हो। और उसके होंठ तो यार गुलाब की तरह
मुलायम मुलायम है यार। मेरा दिल करता है कि मैं उसके पास जाऊं और उसे अपनी बाहों में भरकर एक प्यारी सी चुम्मी दे दूं। क्या हुआ है? ए, उसके मुंह के अंदर जाएगा क्या? अरे यार तू चुप कर ना। ए तू चालू रख। जब मैं उसके करीब जाता हूँ तो बॉडी टेम्परेचर अपने आप बढ़ने लग जाता है। टाइम बताने के लिए थैंक्स। मुझे क्यों थैंक्स बोल रही हो डार्लिंग? अबे तुझे छोड़ा ना तो बोल वचन करता ही रहेगा। एक क्वार्टर पिला के कितना बोल वचन कर रहा है। सही है। इसे बिरयानी कहते हैं? इसके पीस कहाँ पे? कैसी बात कर रहा है? इससे तो अच्छा मेरी माँ बिरयानी बनाती है। तेरी ये पार्टी थू। तुम लोगों को मेरी फीलिंग्स की जरा भी कदर नहीं है। चले जाओ यहाँ से। अरे अटेंशन मत ले। ए भाई, वो देखने में कैसी लगती है? अरे तुझे मैंने बताया ना, अप्सरा से भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। ये लड़कियाँ ना पहले तलवार की तरह ही होती हैं, धीरे धीरे हमारी गर्दन काट देती हैं। और सुन, दिखने में ना वो एकदम पानी जैसी लगती हैं, पीने के बाद पता चलता है एकदम देसी दारू जैसी लगती हैं। टेम्पररी किक और परमानेंटली मौत। यकीन कर मेरी बात का। अरे यार पता है आज क्या हुआ? ये और चंदन दोनों बिरयानी बड़ी मस्त बनी है, खाओ ना। खाओ तो खाओ। छोड़ दो यार। अरे उसका नाम सुनते ही इसका चेहरा लटक क्यों जाता है? उसके खिलाफ बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं यार। अरे यारों आज पता है क्या हुआ? उस लड़के ने थ्रो किया सीधा विकेट के पास आके लगा। यार बहुत अच्छा प्लेयर है वो। उसके बारे में यहाँ बात क्यों कर रहा है? ये क्या भाई, मुझे अकेला छोड़कर आप लोग पिए जा रहे हैं? तेरी बात मानकर मैं अपने पिताजी का दिया हुआ बैट खो करके चला आया। तू बात कर दे। उस काम के अलावा तुझे और क्या आता है? हेलो। हेलो माँ, मैं राम बोल रहा हूँ। हाँ बोलो राम बेटा, कैसे हो तुम? हाँ माँ मैं ठीक हूँ। चंदन है क्या? हाँ है ना। एक मिनट चंदन, तुम्हारे लिए फोन आया बेटा। अरे किस्मत। हेलो। क्या यार चंदन, तू कहाँ पर है? तू मिल क्यों नहीं रहा यार? ऐसी कोई बात नहीं है यार, क्या बात है बोल। अरे कुछ नहीं यार, कल दोपहर को अपना मैच है तो आ जाना। नहीं यार, घर में थोड़ा काम है, माँ को हेल्प करना है, तुम लोग ही खेल लो। नहीं आओगे क्या? बोलो ना। नहीं आऊंगा। अरे वो है ना लड़का जो मुझसे अच्छा खेलता है, उसे लेकर ही खेल लो। मैं नहीं आऊंगा यार। यार ये तो गैस ऑन किया हुआ स्टोव की जैसे आवाज कर रहा है। ए तू सच बता, सीरियसली तू नहीं आ रहा है? मैं इस वक्त बिजी हूँ यार, बाद में फोन करता हूँ। चल बाय। माँ, उस एरिया से किसी भी लड़के का फोन आया तो कह देना मैं नहीं हूँ। ठीक है बेटा। अच्छा माँ मैं बाहर जाकर आता हूँ। मुझमें 100 लोगों को मारने जितनी ताकत है, लेकिन तुम्हारे सामने खड़े होकर प्यार का इजहार करना मुझसे नहीं होता है सुधा। जिंदगी भर मैं तुम्हें किसी भी चीज का दुख बिल्कुल नहीं होने दूंगा, ये मैं वादा करता हूँ तुमसे। सुधा, कल रात को मैंने तुम्हारे लिए एक मिनट भी सोए बिना एक कविता लिखी है सुधा। सुधा 1 मिनट। हाँ। 10 रुपए में एक हाथ गजरा, तू ही मेरी जान और मैं तेरा सजना। एक ओवर में 6 बॉल और मेरा प्यार तू मेरी डॉल। क्वार्टर में 2.90, मैं तेरा घंटा तू मेरी घंटी। राम के दुकान का कबाब, तू कब देगी मुझे जवाब? क्यों सुधा, मेरी कविता इतनी खराब है कि तुझे रोना आ गया? सुधा सुधा सुधा, बस 2 दिन का टाइम दे दो, एक और सुपर कविता तुम्हारे लिए रेडी कर दूंगा। नहीं नहीं नहीं, अगर इतने में ही पटा लिया तो मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, अभी अभी के अभी कविता सुनाता हूँ। हाँ, कल चाइनीज होटल से मैंने लिया था सूप, तू ही मेरी जानू। कार्तिक, बच्चे रो क्यों रही है? भाभी भाभी, मैंने कुछ नहीं किया, वो तो बेचारी अपने आप ही रो रही है। आंखों से आंखों का मिलना, दिल का मचलना, बाद में क्या बोलूं। एक काम करते हैं, पहले से वापस शुरू करते हैं। आंखों से आंख तुम्हारे भाई तुम्हें बुला रहे हैं। यार तू जा, मैं बाद में आ। अरे तुम्हारे भाई को जवाब देना पड़ेगा। चल तू गाड़ी में बैठ, अर्जेंट काम है। चल बैठ ना।
रजनी। उस पर तो इतना गुस्सा आ रहा है कि उसके तो टुकड़े टुकड़े करने का मन कर रहा है यार। वो भी क्या करे, इसके बाप दोनों दोस्त हैं तो बात करते होंगे यार। अरे उसका बाप इसका बाप फ्रेंड्स है तो एक दूसरे से वो दोनों बात करेंगे क्या? यार ये नेचर का रूल है, दो बर्तन साथ में आवाज करते हैं, दो लड़की आपस में बात करती है। हाँ बात तो सही है। अरे लेकिन वो तो एकदम चॉकलेट हीरो जैसा लगता है और मेरा तो मास लुक है, अगर उसने उसको पटा लिया तो मैं तो गया काम से ना यार। ज्यादा मत सोच, हर एक टेस्टी बर्गर किसी ना किसी के लिए बना ही होता है। ज्यादा मत सोच, जाने दे। मैं कर सकता हूँ यार, मैं कर सकता हूँ। उसका चेहरा जब तक स्क्रैप नहीं करूंगा ना, मुझे चैन नहीं मिलेगा। हाँ ए गुस्से में ऐसा वैसा मत कर देना, गुस्से में मैं भी कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मुझे अपने हाथों में खून लगाना पसंद नहीं है। नहीं यार उससे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसकी तो। अबे वहाँ क्या देख रहा है, मैं तेरे से बात कर रहा हूँ बे। कार्तिक मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या है? थोड़ा पर्सनल है। ए, हम दोनों क्लोज फ्रेंड्स हैं, जो बोल रहे हैं हम दोनों को बोल। नहीं बहुत ही पर्सनल बात है। अपन का टाइम आएगा, अपन स्टार बन जाएगा, सबकी बैंड बजाएगा, अपना टाइम आएगा। समझ में नहीं आ रहा है कि बात कहां से शुरू करूं। अपने सब लोगों को रेडी रख, यहाँ पर लफड़ा होने वाला है, जैसे ही फोन करूंगा वैसे ही आ जाना। ए हथियार नहीं यार, बस बैटर विकेट लेकर आ जाना। ये सब मेरे लिए नया है यार, क्योंकि लड़कियों से मैं ज्यादा बात नहीं करता। घुमा फिरा कर क्या बात करनी है, सीधे मुद्दे पर आ जाता हूँ। सुधा, सुधा ने मुझसे कहा कि वो तुमसे प्यार करती है। तुम्हारे पास आकर बताने में उसे डर लगता है, क्योंकि वो लड़की है ना। तुम्हारे फ्रेंड्स और राजीव के फ्रेंड्स सब एक दूसरे को जानते हैं ना, इसीलिए उसने मुझसे कहा। तुम्हारा जवाब क्या है? अरे यार, अरे अबे ओए, हेलो। मारपीट वाला झगड़ा नहीं, बच्चे वाला झगड़ा है, छोटे छोटे बच्चों वाला। बातचीत में ही सुलझ गया यार, एक थप्पड़ में ही काम हो गया। क्या कर रहा है यार पागल? हेलो क्या कर रहा है? अरे यार सीरियस केस है, मैं पेशेंट को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ, अभी नहीं आ सकता, सॉरी यार। यार तू अभी बताएगा तो कैसे चलेगा, अब कौन खेलेगा तेरे बदले में? यार मैं अभी बिजी हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ, बाय। हेलो 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 यार, महादेश मैच में नहीं आ रहा है, अब हम लोग क्या करेंगे? क्या यार सैड बात क्यों कर रहा है तू? अरे रो मत, अभी कौन खेलेगा ये सोच, रो रहा है। ए रॉकर्स टीम का चंदन है ना, वो बड़ा मस्त खेलता है यार, और उनका एरिया छोड़ के वो अपने एरिया में रहता है, मेरे घर के बाजू में, उसको अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। यार यार तू उसका नाम क्यों ले रहा है, उसका नाम लेने से इसको अच्छा नहीं लगता है। अरे यार खेलने दो। उसके ऊपर बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं, उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, ऐसा तुमने ही कहा था ना। उस पर जो भी कंप्लेंट्स है वो मैं वापस लेता हूँ। देखो अल्टीमेटली हमारी टीम को जीतना है, और मेरी वजह से तुम लोग एक प्लेयर को खो दोगे ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। उसके लिए नहीं नहीं, अपनी टीम के लिए मैं त्याग करने को तैयार हूँ। यार ये तो दयालु है। कोई बात नहीं यार, ऐसा होता रहता है। ए चंदू फोकस करा, बढ़िया आराम से आराम से। नाइस बॉल नाइस बॉल। चंदू इधर आ इधर आ, ये विकेट लिया ना तो गेम अपना ही हो जाएगा, ठीक है ना? चल एक ही कैप्टन दे रहा हूं, कम ऑन गाइस जल्दी। वेलकम बैक टू सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मॉर्निंग सुपरस्टार सुनील, और गर्मा गर्म खबर ये है कि इस साल का टीवीएस वीगो कप जल्द ही शुरू होने वाला है, और इस साल की खास बात ये है कि अब की बार टूर्नामेंट में 7 टीमें शामिल होने जा रही हैं। गली क्रिकेट टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार किसी एक टीम को 3,50,000 जीतने का सुनहरा मौका मिलेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों देर किस बात की है, फटाफट अपनी टीम का नाम रजिस्टर करवाइए, और अभी आपके लिए हाजिर है इस साल का सुपर हिट ट्रैक मस्त मजा वाला। मस्त यार मस्त, चलो मजा करते हैं। बस भी करो, मेरी बात सुनो भाई, टूर्नामेंट का फीस भर दिया तो क्या हो गया,
बाकी का खर्चा कौन देखेगा? हेलो यार, तू उसकी चिंता मत कर, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगा, ठीक है ना? तू संभाल लेगा? क्या बात है भाई। ए चंदन, चंदन देख तेरे को बुला रहे हैं। कैसे भाई? हाँ यार। क्या यार, एरिया छोड़ने के बाद हमसे मिल ही नहीं रहे हो? अरे यार ऐसी बात नहीं है, मैं थोड़ा बिजी हूँ। ठीक है, टूर्नामेंट की फीस भरने जा रहा हूँ, तो तू खेलेगा ना? जरूर खेलूंगा यार, भला मेरे बिना कोई टूर्नामेंट हो सकता है क्या? लेकिन इस साल मैं इस टीम के साथ खेलूंगा। क्यों यार, इतनी छोटी सी बात पे तू इतना नाराज क्यों हो रहा है? एक मैच के लिए बिठा दिया तो क्या हुआ? तुम्हारे लिए छोटी बात हो सकती है, लेकिन मेरे लिए वो छोटी बात नहीं है। तुम लोगों ने मेरा अपमान किया है। ठीक है यार, साहब स्ट्राइकर्स टीम से खेल रहा है इसलिए तू उसे जीतेगा ऐसा लग रहा है? ये तो ऐसे कह रहा है जैसे इसकी वजह से हम मैच जीतते हुए आ रहे हैं। जो भी समझना है समझ लो, मैं नहीं खेलूंगा। वो इतनी बड़ी फिगर नहीं है, बहुत मामूली सी फिगर है। उसे पटाने के लिए ये बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट कर रहा है। हाँ। तू हम सबके सामने नाटक कर रहा है। हाँ। वो मेरे फ्रेंड की बहन है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलना। ए, 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 तू चुप रहे, फ्रेंड फ्रेंड बोल के अंदर ही अंदर क्या कर रहा है हमें सब पता है। क्या कह रहा है तूने? अरे वो देख क्या हो रहा है चंदन के साथ। छोड़ दो मुझे, तेरी इतनी हिम्मत मेरे दोस्त की बहन के साथ कर रही है? हट, क्या कर रहे हो? हटो, क्या कर रहे हो? चुप करो, चलो चलो पीछे हटो, चलो चलो। हैं, क्या हो रहा है सर? हमारी गलती नहीं, उन्होंने शुरू किया था। क्या चल रहा है? बोला ना, हमारी गलती नहीं, इन्होंने शुरू किया था। नहीं, इन्होंने शुरू किया था, इसीलिए बोला था। छोड़ दो, जाओ, समझ रहे हो क्या हो रहा है? चलो जाओ, चलो जाओ। ए साला, चलो चलो, बात नहीं करना। ए चल निकल, निकल यहां से। एक एक को मजा चखाऊंगा मैं। मैं वहां होता ना फिर बताता। क्या बताता? एक एक को अपने पांव के नीचे मसल कर रख देता मैं। बहुत फेंकने लगा है तू। तुम लोग मेरे गुस्से को जानते नहीं हो। अरे तुम बेकार की बात क्यों कर रहे हो? अरे अबे, अरे देखना यार, खामखा मेरे ऊपर गुस्सा कर रहा है। ये अपने आप को विराट कोहली समझ रहा है। कैच। ओए क्या हुआ यार? रॉकर्स के लोग काफी अच्छा खेलने लगे हैं, है ना? रॉकर्स जानते हो, कल मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, दिल कर रहा था एक एक को फोड़ दूं। ए ऐसा करोगे तो उनमें और हमें फर्क क्या रह जाएगा? मेरी बात सुनो, किसी भी हाल में हमें मैच जीतना है। और सही प्लानिंग के साथ खेलेंगे तो मैच जीत सकते हैं। वो रामू है ना, लेग साइड में बहुत अच्छा खेलता है। अगर शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल डालेंगे तो विकेट जरूर देगा। और वो प्रेम है ना, वो एकदम फालतू प्लेयर है, बेकार का बैट घुमाता रहता है। अगर स्विंग बॉल डालेंगे तो पक्का बोल्ड होगा। मगर वो रवि है ना, जबरदस्त प्लेयर है, हर बॉल को सिक्स या फोर मारता है। लेकिन उसकी भी एक कमजोरी है, स्लो बॉल डालेंगे तो वो भी बोल्ड हो जाएगा। कितना पैसा लिया है? कितना पैसा लिया है बोलना? कैसी बात कर रहे हो? की वीकनेस बताने के लिए कितना पैसा लिया है बोलना? और यहाँ की टीम भी बताने के लिए कितना पैसा लिया? ए इतना सीरियस क्यों हो रहा है भाई? एम्बुलेंस निकालो। अरे कॉमेडी मत कर यार, दूसरी टीम से भी मिला हुआ है। कोई दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। दूसरे देश का कोच आकर हमें कोचिंग देता है ना, बिल्कुल वैसे ही। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड गेम। क्या गेम बोलता है? गेम बोलता है? मेरी बहन से प्यार करता है, साथ में रहकर मुझे धोखा दिया मित्रद्रोही। अरे देखो देखो, लव लेटर ग्रीटिंग देखो, इसकी तफ्ती। अरे राजीव, मैं तुझे बताता हूँ ना। तू क्या बताएगा बे? तू यहाँ पर ब्रोकरगिरी करने आया है क्या? तुम सबको अपने घर लेकर जाता हूँ ना। अरे चप्पल से मारना चाहिए तुम्हें, छोड़। अरे क्या कर रहा है यार तू? सारी गलती लड़कों की नहीं होती, लड़की की भी गलती हो सकती है। वो छोटी है, उसे क्या पता, इसने कुछ जादू किया होगा। अरे राजीव, माना इससे गलती हो गई, लेकिन तू क्या कर रहा? तेरी भी एक बहन है ना, तेरी बहन से जब मैं प्यार करूंगा ना, तब तुझे पता चलेगा कि मेरा दर्द क्या है। तुम दोस्त हो क्या? अरे असली बात क्या, पहले बता। प्यार करता है तू? अरे कैसे दोस्त हो तुम लोग? अभी मैच टूर्नामेंट बोलकर मेरे घर पर आना, तब तुम सबको चप्पल से मारूंगा मैं। तुम सब क्या भाई, तुमने दोस्त होकर ऐसा काम किया? छे, ऐसा लगता है कि हमें चंदन के हाथ पर तोड़ नहीं चाहिए। वो इस बार मैच में नहीं खेलना चाहता है, तो उसके साथ फिर ऐसा ही करना चाहिए हमें। मारेगा तो क्या मिलेगा बे? इतने दिनों तक हम लोग जीते हैं यार, इस बार जीतना अलग होगा। तुम जितना बोल रहे हो उतना आसान नहीं है। कल ही तो वो लोग किरतपुर की टीम से 50 रन से जीत कर आए हैं। माना कि वो लोग बहुत मस्त खेलते हैं, लेकिन हमें किसी भी हाल में मैच जीतना है। फिर भी यार, हम लोग चंदन को छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है यार, उसकी वजह से हम लोग थोड़ी मैच जीतते आ रहे थे। इस बार देखेंगे ना, स्ट्राइकर्स जीतते हैं या रॉकर्स जीतते हैं। ओए, बॉल डाल। हाँ,
तुम्हारे एम्बुलेंस में मेरे मामा की मौत हो गई थी, इसीलिए मेरी माँ ने तुम्हारे साथ खेलने को मना किया है। मैं नहीं खेलूंगा। ए, आजा 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 आजा। भैया क्या है? तुम्हारे सारे दोस्त क्रिकेट खेल रहे हैं, तुम नहीं जा रहे? अच्छा, ए बैट दे, मैं बैटिंग करता हूँ। यार खेल, चल भाई। अरे दे, मुझे दे, मैं खेलता हूँ। तू फिर से शुरू हो गया? ए, अरे यार अब बस भी कर। क्या यार, ये तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। ए थोड़ा इधर आ जा। ए वहां देख, चल हम लोग भी खेलते हैं। मैं नहीं आऊंगा, तू ही जाके खेल वहां पे। चल बॉलिंग कर, बॉलिंग कर। कैसे हो यार मेरे विकेट कीपर दोस्त? क्या हुआ? ए, ये क्या हो रहा है यहाँ? वहाँ तुम्हारे दोस्त खेल रहे हैं, तुम यहाँ बैठ के पी रहे हो? अरे ये कौन सा तरीका है तुम्हारा टीम के साथ भाई? अरे सुनो, अगर कुछ गलत हुआ है तो बैठ के उस बारे में बात कर सकते हो ना। मैं उसके पास जाता हूँ तो भी वो मुझसे बात नहीं करता है, ऐसी कौन सी गलती कर दी मैंने? अरे वो है इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अगर तेरी बहन होती और कोई उसे आई लव यू बोलता तो तू और तेरा भाई मिलके क्या उसकी जबरदस्त पिटाई नहीं करते? पिछले 4 सालों से अपने सामने वाली टीम को हरा नहीं पा रहे हो, उसके लिए मेहनत कर रहे हो। देखो अभी एक बहुत ही अच्छा मौका है, अगर तेरा चेहरा वो नहीं देखेगा और तू उसका चेहरा नहीं देखेगा तो मैच कैसे खेलोगे तुम? ए राजीव रुक रुक, ए राजीव इधर आ, सुन राजीव, राजीव बात सुन। रुक ना यार, देख वहाँ पर तेरे फ्रेंड्स खेल रहे हैं, क्यों तू नहीं खेलेगा क्या? मैं नहीं खेलूंगा भाई। ऐसा क्यों कह रहा है, टूर्नामेंट में नहीं आएगा क्या भाई? मैं नहीं आऊंगा भाई। कैसी फ्रेंडशिप है यारी तेरी? जब सब कुछ ठीक रहता तो सब लोग ठीक रहते, मगर जब तकलीफ होती है तो एक फ्रेंड को दूसरे फ्रेंड के साथ देना चाहिए। मेरी बात सुन। ए राजीव देख, मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे यार। ए क्या हुआ, क्यों मुझसे बात नहीं करता है? बोलना। ए क्या हुआ बोल। ए यार वहाँ देखो। अरे कितने दिनों से तू मुझे जानता है बे? किसी दूसरी लड़की को छेड़ते हुए तूने मुझे कभी देखा है क्या? ए बोलना। ए क्या हुआ, क्या हो गया भाई? इसे जाने को कहो। अरे यार मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ, मैंने उसे कभी भी गलत नजर से नहीं देखा है और उसको बचपन से ही मैं बहुत चाहता हूँ यार। प्लीज यार मेरी बात तो समझ। ए भाई सुनना, जब इसने बोला कि फ्रेंड की बहन अपनी बहन होती है तो मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया यार। मुझे माफ कर दे, मैं तेरे पैर छूता हूँ। अरे प्लीज यार, अगर तू यहाँ नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहूंगा। मुझे तेरी दोस्ती चाहिए, कोई लड़की नहीं चाहिए, कोई प्यार नहीं चाहिए, मुझे बस तू चाहिए। मेरे दोस्त तेरी सोच के मुझे प्लीज यार, मुझे माफ कर दे। मैं नहीं खेलूंगा तो जाएगा, लेकिन तू जरूर खेलेगा। प्लीज राजू मेरी बात तो सुन ले यार, तू मेरी बात क्यों नहीं सुनता है? सुन तो। अरे राजू इसकी बात सुन, उसको खेलने के लिए क्या कर रहा है तू? क्यों रो रहा है यार? उसको बोलना रुकने के लिए। सुधा बोलिए भैया। मेरी मैच की टी शर्ट लेकर आओ। अब हम नेताजी से निवेदन करेंगे कि वो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 2 शब्द कहें। बैठिए बैठिए, आप लोग भी बैठिए। हाँ। और अब हम आप लोगों को कड़वा सच बोलते हैं, हम कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं, गर्मी का मौसम हो, बारिश का मौसम हो, ठंडी का मौसम है, कोई भी मौसम हो, दिन हो रात हो, ये टोपी और ये चश्मा नहीं निकालते हैं, नहीं निकालते हैं। बजाओ ताली और जोर से बजाइए और हमारी बात सुनिए। क्रिकेट के प्रेमियों, हम इसके बहुत बड़े फैन हैं।
कारण पता है क्या? क्योंकि ये जो क्रिकेट का खेल है हमारे देश में बहुत प्रचलित है, हमारे राज्य में बहुत प्रचलित है। आप लोगों पर हमको बहुत नाज है। स्वतंत्रता से पूर्व जब क्रिकेट के बारे में कोई नहीं जानता था तब अंग्रेज लोग इस देश पे राज करते थे और हमारे इस देश के सारे नौजवान सारे भाई लोग यहाँ गिल्ली और डंडा खेलते थे। इस खेल को अंग्रेजों ने देखा, गिल्ली को उन्होंने बॉल बनाया और डंडा को बैट बना दिया और इस खेल का नाम रख दिया क्रिकेट। अरे बजाओ ताली। इसीलिए भाइयों ये खेल हमने शुरू किया और उन लोगों ने हमें देखकर शुरू किया। ओरिजिनल खेल हमारा है, इसीलिए वर्ल्ड कप 30-30 20-20 50-50 हम लोग सब जीतते आ रहे हैं। एक और बात आप लोगों से कहना चाहूंगा, अपने देश के हर घर में टेनिस में जैसे सानिया मिर्जा हैं, उसी तरह से हर घर में एक एक सानिया मिर्जा होनी चाहिए। बजाओ ताली। अरे आप भी बजाओ ना, आप भी बजाओ। हमारे इस देश में जैसे क्रिकेट में तेंदुलकर हैं, वैसे ही यहाँ के हर घर में एक एक तेंदुलकर होना चाहिए। बजाओ ताली। अब मेरी बात सुनिए, राजनीति में वैसे भी हम बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए हैं और वैसा ही रहूंगा भी, लेकिन फिर भी मेरे जैसा कोई नहीं होना चाहिए। बजाओ ताली भाई। क्या बात है, वाह। अब एक और बात बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर जितने भी खिलाड़ी हैं आप सब लोग अच्छे से खेलिएगा और लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं कीजिएगा और आपस में मिलजुल कर रहिएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी जीते कोई भी हारे, आप एक दूसरे से प्यार बना कर रखिएगा और खेल को खेल की भावना से खेलिएगा। और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, हमने ठीक कहा ना भाई? हाँ, सही कहा ना भाई? तो सबको मेरा नमस्कार, जय हिंद। हेड या टेल? हेड सर। हेड। भाई टॉस तुम जीते हो, बताओ बॉलिंग या फील्डिंग? अरे बॉलिंग या फील्डिंग? अरे ये बोल क्यों नहीं रहा है? फील्डिंग। हाँ, हमको पता था तुम यही चुनने वाले हो, विक्ट्री तुम्हारी ही होगी। अच्छा ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छा से खेलो, हाथ मिलाओ और ठीक से खेलना है, इधर मारना उधर मारना। सामने वाली टीम से गणेश खेल रहा है, यही पहली बॉल और ये शानदार चौका। गेंद में बड़ा रोमांच छाया हुआ है और ये एक और बॉल आई और ये चौका। ओह माय गॉड, क्या बात है, वातावरण बहुत ही रोमांचक बना हुआ है। और ये अगली बॉल और ये उठा दिया और ये एक और चौका। अगली बॉल और ये घुमाया है, देखते क्या होता है, और ये बॉल छूट गई और ये चौका। लगता है टीम अच्छी फील्डिंग नहीं कर रही है, कैच पे कैच छोड़े जा रही है, इससे वो हार सकते हैं। कैचेस विंस द मैचेस, सो यू मस्ट कैच। अगली बॉल और ये उठा दिया है हवा में, देखते हैं इस बॉल का, और ये कैच, और ये इस तरह से पहला विकेट गिरा और चंदन विकेट लेने में कामयाब हो गया। दर्शकों की तालियों की गूंज सुनाई दे रही है हर तरफ। और ये आई अगली बॉल और ये वाह क्या बॉल थी। चंदन बहुत ही खूबसूरत बॉलिंग कर रहे हैं, उनकी बॉल को छुपाना ऐसा लग रहा है जैसे मुश्किल है। अब हो गया ओवर चेंज, बॉलिंग करने की जिम्मेदारी अब राजीव के कंधे पर है और अब ये स्ट्राइकर्स टीम की तरफ से राजीव की आई पहली बॉल। बैट्समैन ने बहुत ही सीधी खेला और ये कैच, जेके ने बहुत ही शानदार कैच पकड़ा है और इस तरह एक और विकेट गंवाया और खुशी से स्ट्राइकर्स टीम राजीव का हौसला बढ़ा रही है। ये बहुत ही रोमांचक क्षण है, टीवीएस वीगो मैच आप सबके सामने चल रहा है और इसका रोमांच आप सब देख सकते हैं। अभी एक और नया बैट्समैन आया है, देखते हैं कि वो आगे कैसे बढ़ाता है। उनकी टीम के ऑलरेडी दो विकेट डाउन हो चुके हैं और ये अगली बॉल और ये प्ले करने की कोशिश लेकिन नाकामयाब। ये आई अगली बॉल और ये उठाने की कोशिश और ये बॉल। दर्शकों का रोमांच बहुत ही जबरदस्त है और टीम भी उतनी ही रोमांचक है, वो बहुत ही खुश है। तो बूस्टर्स टीम ने 15 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 85 रन बनाए हैं और अब स्ट्राइकर्स को उस टारगेट को अचीव करने की जरूरत है। देखते हैं क्या होता है। जेके स्ट्राइकिंग एंड पर और ये पहली बॉल जेके ने मार दिया और ये स्लिप से बॉल निकलते हुए चार रन। शानदार शॉट, इसे चीकी शॉट भी कह सकते हैं, शायद कीपर समझ नहीं पाए बॉल को। और ये नेक्स्ट बॉल जेके स्ट्राइक पर, जेके ने एक बार जोरदार छक्का मार दिया। व्हाट अ शॉट, जेके स्ट्राइक पर अगली बॉल और जेके ने दोबारा घुमा दिया 4 रन के लिए। अभी सिर्फ 14 रन चाहिए, उनका सिर्फ एक ही विकेट डाउन है और ये एक बार उठा दिया हवा में, देखते और ये 4 रन। बूस्टर्स बहुत ही शानदार खेल खेल रहे हैं। अगली बॉल और ये उठा दिया पीछे से लेकिन बॉल हिट नहीं कर पाई
और ये अगली बॉल देखते हैं क्या होता है। आगे बढ़ के मारने की कोशिश और ये कीपर ने उन्हें आउट कर दिया। क्या रोमांचक मैच चल रहा है। अभी आए हैं नए बैट्समैन, देखते हैं आगे क्या होता है। और ये अगली बॉल वो ठीक से समझ नहीं पाए, बॉल हवा में थी लेकिन कोई पकड़ नहीं पाया। नो रन। दोनों आपस में बातचीत करते हुए वो कह रहे हैं कि खुला खेलो हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। और ये अगली बॉल देखते हैं और उन्होंने बस टच करके भागने की कोशिश की और ये शायद रन। लगता है उनका खाना हजम नहीं हुआ इसलिए वो वापस पवेलियन की तरफ जा रहे हैं। देखते हैं मैच में आगे क्या पोजीशन बनती है। और ये अगली बॉल नए बैट्समैन को और ये उन्होंने उठा दिया और ये छक्का। व्हाट अ शॉट मैन। और अब बूस्टर्स टीम को जीतने के लिए 56 रन चाहिए, उनके 2 विकेट डाउन है। देखते हैं क्या होता है। ये अगली बॉल और ये उन्होंने उठा दिया। देखते हैं क्या होता है। 6 रन। एम्पायर के दोनों हाथ हवा में। एक और बढ़िया शॉट और उसके बाद ओ रिवर्स शॉट। क्या बात है। वाओ, लगातार चौकों पे चौकों की बारिश होती जा रही है। देखिए फील्डर्स और ये एक बार और उठा दिया हवा में और इस तरह से जीत। वो देख खूबसूरत तितलियां, तुमको देख के दिल करता है इलू इलू। ए रुक ए उतर। ये लोग तो रॉकर्स टीम के ही हैं। ए चंदन जा अपनी टीम के पास जा। चल चल मिलवाता हूँ। अबे वो हमारे दुश्मन हैं। अबे इसके फ्रेंड से भागे। ठीक है तुम लोग यहीं पर रहो। उस रॉकर्स टीम को कैसे पटाना है मैं अच्छे से जानता हूँ। उन्हें पटाकर मैं तुम्हें बुलाऊंगा, तब सब लोग आना। ओके ओके ओके। जाना देना तू। तुम रुको, आप जाओ। ए हमें अंदर जाना है। छोटे बच्चों के लिए अलाउड नहीं है। 18 साल से ज्यादा हो तो अंदर जा सकते हो। यहाँ पे सिर्फ कपल एंट्री है, स्टैग नहीं है। लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। ये देख मार रहा है। क्या कर रहे हो तुम लोग? हटा दे उसको। ये सब कपल एंट्री के लिए। Some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold ass honky. Hello. Rolling in hella deep. Headed to the mezzanine. Got it. सतीश है क्या? हाँ भाई वही है।
कार्तिक। हाँ भैया। ये किसका हिसाब है भाई? ये तो आपने लिया था भाई। मैंने जो लिया उसे भी हिसाब में लिखेगा तू? हाँ चल लेकर जा। रात में तुम कहाँ थे? वो मैं लेट हो गया इसलिए फ्रेंड के घर पे सो गया था। दिमाग खराब है तुम्हारा? पागल हो तुम? इतना भी नहीं पता कि एक फोन या मैसेज करना चाहिए मुझे? क्यों चिल्ला रहे हैं इस पे? hey, बहुत टेंशन में हूँ मैं, सारी रात सो नहीं पाया। जाओ अंदर जाओ, जाओ। इनकी बातें तो मेरी समझ से बाहर हैं। देखो अगर रात में लेट हो जाए तो मुझे फोन करना। ठीक है अब जाओ। hey, कार्तिक कल रात को पी थी क्या? नहीं भैया। बदबू आ रही है। देखो तुम पियो, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन अगर ज्यादा पीकर तुम बाहर रहोगे तो तुम्हें तो पता ही है यहाँ हमारे कितने दुश्मन हैं। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? देखो अगर तुम्हारा मन पीने का करे तो अपने रूम में लाकर पियो। ओके भैया। अब जाओ। हेलो। हाय ध्रुव, कैफे में तो तुम मुझे छिप छिप कर देखते थे ना, आज मेरे घर में कोई नहीं है। अगर तुम्हें थोड़ी हिम्मत है ना तो मेरे घर आ जाओ। अरे वो ध्रुवा कहाँ है यार? मुझे पता नहीं यार, वो फोन भी रिसीव नहीं कर रहा है, ऐसे टाइम पर धोखा दे दिया उसने। अरे बैटिंग या बॉलिंग? भाई एक मिनट बताता हूँ। अरे क्या लेना है, बॉलिंग या बैटिंग? बैटिंग यार, बैटिंग, 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 बैटिंग लेंगे यार। बैटिंग लेगा यार, अगर वो लेट आएगा तो भी बैटिंग ना। हाँ 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 चलेगा भाई, हमारी बैटिंग है। ओके वो बैटिंग कर रहे हैं। आज नहीं आया तो कोई बात नहीं, कल जरूर आएगा वो। अभी वो कहाँ मुझे सब पता है, कल का ओपनिंग बैट्समैन तो मैं ही बनूंगा। अरे एक मैच में नहीं आया तो बैटिंग ऑर्डर को चेंज करने की क्या जरूरत है यार? चप्पल से मारना चाहिए था, आसानी से मैच जीत सकते थे, मुश्किल से जीते। हाँ। कैसा मैच था यार, ध्रुव की वजह से पूरा खराब हो गया। फोन किया कि नहीं? वो क्यों करेगा फोन। हे हाय गाइस, इसकी तो 100 साल की उम्र है, पत्थर से सर फोड़ेगा तो भी नहीं मरेगा। मैं इसे मार दूंगा। तो मैच का क्या हुआ? मैच के बारे में पूछता है, तूने फोन क्यों नहीं उठाया? अरे सिग्नल ही नहीं था यार। मारो 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 मारो। अरे सच कह रहा हूँ यार, मेरा फोन का सिग्नल नहीं था इसलिए मैं नहीं उठा पाया। यार क्या क्या किया बताना, प्लीज प्लीज बताना। बताता हूँ, हम दोनों ने कुची कुची किया, ये भी किया, स्विमिंग पूल में दोनों, बहुत मजा आया भाई। वो सब भी कर दिया क्या? वो सब तो मैंने पहुंचते ही किया, कुछ भी नहीं छोड़ा। बस कर दे। कैसा दोस्त है तू, उत्तेजना भरी बातें बोलकर मेरे दिल में आग लगा रहा है। मुझे बिना बताए तो उस लड़की के पास चला गया, ये दोस्ती नहीं ये दुश्मनी है, ये धोखेबाजी है यार। हाँ भाई तूने मेरा दिल दुखाया है यार। दुखी नहीं होते मलिंगा? यार वीडियो बनाया है तो दिखाना, देखकर मजा आएगा। दिखा, ए, दिखा क्या बोल रहे हो यार, कुछ ऐसा वैसा मत सोचो तुम लोग, और मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। सच तो ये है कि मैं उसके साथ गोवा में शादी करूंगा, ऊटी में हनीमून बनाऊंगा, और बेंगलुरु की किसी अच्छी सी सोसाइटी में एक बंगला बनाऊंगा, मेरा और स्वाति का। शादी उसी से होगी, गारंटी है ना? सच में? तब तो मुझे एक मौका जरूर दिलवाना। क्यों उसके बारे में कुछ इंक्वायरी की नहीं? मैं ऑलरेडी इंक्वायरी कर चुका हूँ, तुम शांत रहो ना, ये दुकान का मामला है, चिंता मत करो। चुप रहो बोलकर और कितने दिन लगाओगे? मेरी बात तो सुनो। अरे चुप रहो। नमस्ते साहब। क्या हुआ वहाँ पर? हुआ ना सर। अरे बात क्या है, साफ साफ बताओ ना। आप खुदा कर देख लो ना साहब। उसका हुआ क्या? वो भी हो गया ना साहब। बात को घुमाओ मत, साफ साफ बोलो बात क्या है। आप अंदर आकर देख लो। ठीक है पैसे लो, मेरा काम हो जाना चाहिए। ठीक है सर, मैं चलता हूँ, फोन करूंगा। ओके सर चलो ना। जाओ जाओ, सिर्फ बातों से पेट भरवाते हो। चलो मैं बताता हूँ, ऐसे ही बात करते रहो। मैं सब संभाल लूंगा ना। तुम क्या संभाल लोगे, वो मर्द के जैसे घूमता रहेगा। अरे तुम बात कर रहे हो। नमस्ते बॉस। नमस्ते बॉस, ये लीजिए। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बात कर रहा था। कुछ नहीं? ए, उसने मुझ पर हाथ उठाया था और ये कह रहे हैं कि कुछ भी हुआ नहीं। अरे क्यों सर, कौन है वो? अरे सर वो उस एरिया का बहुत बड़ा किंग है, हम कुछ भी नहीं कर सकते उसका। ऐसे किंग खिलाड़ियों को मैंने अपने एरिया में बहुत बार देखा है, आप लोग चिंता मत करो, मैं सब कुछ सेट कर दूंगा, नहीं छोड़ूंगा, उसका काम हो जाएगा। आप जाओ, मेरा इतना सा काम कर दे। चलो भाई चलो।
देखो तुम लोग और स्ट्राइकर्स वाले पिछले 4 सालों से फाइनल मैच खेल रहे हो, लेकिन इस बार वो सेमीफाइनल में ही आएगा। तुम दोनों फाइनल मैच खेलोगे तो ही अच्छा है, क्या कहते हो? ऐसे नहीं चलेगा भाई, वो लोग हर साल फाइनल में आते थे क्योंकि हमारे साथ कभी खेला नहीं था ना। इस साल देखना सेमीफाइनल में उन्हें घर भेज देंगे हम लोग, तभी पता चलेगा उन्हें कि रॉकर्स क्या कर सकते हैं। देखिए यार अभी भी टाइम है, चेंज कर दे पक्का ना हो तो। पक्का है भाई, बिल्कुल मत सोचो दूसरी बार। Yes. Happy birthday, happy birthday भाई। Thank you. Happy birthday भाई। जन्मदिन की बहुत मुबारकबाद। Thank you. Happy birthday भाई। Thank you very much. आप जी हजारों साल साल के दिनों 50,000 भाई। Thank you भाई। Thank you. आपका birthday आपने बताया नहीं। Wish you happy birthday भाई। Thank you very much. आपका phone try किया भैया, लेकिन switch off आ रहा था। पता चले कि आप यहाँ पर हो, सीधे यहाँ पर चला। अब रहने दो यार। इतनी उम्र हो गई, अब क्या बर्थडे मनाएंगे? By the way, ये मेरा छोटा भाई कार्तिक। हेलो, नमस्ते। हेलो। और ये सारे लोग इसके दोस्त हैं। आप सब दोस्त हैं? अरे तुम लोग पीते हो क्या? अरे भाई हमें उसकी आदत नहीं है। अबे चुप रह। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं भाई, मजाक कर रहा है। चलो ठीक है, आ जाओ। अरे भाई एक फोटो निकालो जल्दी से। ठीक है ठीक है, खाना खाकर एंजॉय करो। ठीक है भाई, ओके भाई। एक ये ले लिया। चलो ले जाओ इसे। चल यार, चल जल्दी, चल ठीक है भाई, इसे लेकर जा। ओ थैंक यू भाई। चल 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 चल, आ जाओ आ जाओ। अरे अरे यार मुझे दे। अरे यार मेरे हाथों में बोतल है, देना। अरे क्या कर रहा है? अरे नहीं नहीं, पूरी क्यों हुआ? अरे यार हाँ, हेलो गौरी बोलो। बिल्कुल सही कहा। हेलो, अरे हम यहाँ शादी में आए हैं, यहाँ एफएम कहाँ पे होगा? अच्छा ठीक है, कौन सा रेड एफएम? क्या ए रेड एफएम चालू कर। रेड एफएम, रेड एफएम, रेड एफएम, रेड एफएम। यार यार मुझे बात करना फोन करता हूं। 93.5 रेड एफएम पर मैं आपके साथ हूं, आपका मॉर्निंग दोस्त सुनील। इस साल के टीवीएस वीगो कप में चामराज के चैंपियंस को रॉकर्स टीम ने हरा दिया है। ये क्या बोल रहा है? क्रिकेट के बारे में बात कर रहा है, क्रिकेट के बारे में बता रहा है। रॉकर्स और स्ट्राइकर्स इस बार सेमीफाइनल में एक दूसरे से भिड़ने जा रहे हैं। ए भाई ये तो बहुत ही अच्छा मौका यार। और जो ये सेमीफाइनल जीतेगा उसी की उम्मीद है कि वो फाइनल भी जीतेगा। इस मैच का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है, और तब तक सुनते रहिए। रॉकर्स टीम को इस बार हराना ही है। मेरी बात सुनो यार, ओवर कॉन्फिडेंस छोड़ो, और हम लोग अगर अच्छी तरह से खेलेंगे तो जीतेंगे। सही कहा ना? बिल्कुल और सही कर सकते हैं। राजीव, बड़े भाई को मारने के लिए कहा था, छोटे को क्यों मारा? अरे फूल, क्या हुआ? इधर क्या हुआ? क्या हुआ? इसे किसी ने चाकू डाल दिया है। ए वो भाग रहा है, पकड़ो उसे, पकड़ो। ए भाई 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 भाई, कार्तिक को। ए कार्तिक मेरा भाई है यार। भाई कार्तिक को किसी ने, कार्तिक कार्तिक को किसी ने चाकू मार दिया। किसकी इतनी हिम्मत हो गई? कार्तिक, एक कार्तिक आकर खोल, मेरी तरफ देख। कार्तिक, कार्तिक मेरी तरफ देख, वो जहां भी मिले उसे काट कर फेंक दो। माधव और तेज चलाओ। कार्तिक, कार्तिक आंखें खोलो। कार्तिक, कार्तिक मेरी तरफ देखो। कार्तिक संभाल कर। रास्ता छोड़ो। कार्तिक को पकड़ो। कार्तिक, अरे डॉक्टर, ए डॉक्टर, संभाल कर ले चलो। कार्तिक, कार्तिक, कार्तिक आगे खोलो यार। डॉक्टर ने कहा है अभी उसकी जान को कोई खतरा नहीं है, अभी ठीक है वो, तुम लोग टेंशन मत लो। अरे रो मत ना। अरे रो क्यों रहा है? चुप हो जा, शांत। अरे रो मत। ये देखो अपने भाई का कितना खून गिरा है यार। अरे उसे कुछ नहीं होगा, तू चुप रहे बस, संभाल अपने आप को। भाई तुम्हें नहीं पता है, मैंने बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया है, सीरियस पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाया है, लेकिन मुझे पहली बार ऐसा फील हो रहा है मेरे कार्तिक के साथ ऐसे किसने किया। मत मतार, उसे कुछ नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ ना, चुप रहे तू। यार डॉक्टर ने कहा कि खतरा नहीं है, फिर तू रो क्यों रहा है? तू चुप रहे ना, रो क्यों रहा है? ए, कैसे चुप रहा हूँ? तुम लोग मुझसे हमेशा कहते थे कि तेरी गाड़ी में जो आता है वो मर जाता है, और आज अपने यार को गाड़ी में लेकर आया हूँ, कैसे चुप रहूँ? अरे देख, सुन अपने आप को संभाल, अपने आप को। उसे मिलने वाले नहीं है यार, चुप हो जा। अरे चुप हो जा, चुप हो जा ना। मुझे कार्तिक को देखना है, कार्तिक को देखना है, कार्तिक को देखना है। अरे कार्तिक,
हम लोग मैच नहीं खेलेंगे। क्या ये क्या बोल रहा है तू? सही बोल रहा हूँ यार, कार्तिक को ऐसा हुआ है, हम लोग वॉकआउट देकर आ जाएंगे यार। मैच जीत कर मिलने वाली गाड़ी को तेरी बहन को गिफ्ट देने का हमारा प्लान था और तू अब ऐसी बातें कर रहा है। ए, ऐसे क्यों बोल रहा है तू? तू ये बात कैसे भूल सकता है कि उसने फ्रेंडशिप के लिए बीच रास्ते में तेरे पैर पकड़ लिए थे, और वो भी ये मैच खेलने के लिए और उसे जीतने के लिए। जरा सोचो, अगर तुम ये मैच खेलते हो और अगर उसके लिए ये कप जीत कर लाते हो तो उसे कितनी खुशी मिलेगी। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस तुम लोग जाओ मैच खेलो और जीत के आओ। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी फ्रेंडशिप की इज्जत बनी रहे तो जाओ मैच खेलो और जीतो और कप ला के दो उसे। कैसा है ऋतु? मैं ठीक हूँ भाई, मुझे कुछ भी हो वो चलेगा, मगर आपको कुछ हो जाता तो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। इन सब का कारण वो कमीना रेड्डी है। कार्तिक, तुम जब तक हॉस्पिटल से बाहर आओगे उससे पहले मैं उसे इसी बेड पर सुलाऊंगा। नहीं, मुझे अस्पताल से बाहर आने तक आप किसी भी झगड़े में मत पड़ना भाई, प्लीज। हाँ ठीक है, तुम आराम करो। सुनो, मुझे थोड़ा काम है, मैं बाहर जा रहा हूं, तुम इसका ख्याल रखना। हे सुधा, तुम और यहां? मुझे भैया ने ही यहाँ भेजा है। राजीव कहाँ है? बैटिंग। थैंक यू सर। वो सब छोड़ो, अभी कार्तिक के बदले कौन खेलेगा? अरे टेंशन मत लो यार, अपने एनी भाई है ना। भाई आप ड्रेस पहन कर आओ। ए, हंसो मत, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। हाँ भाई, कपड़े पहन कर आओ, जो होगा देखा जाएगा। मैं इतने दिनों से मैच खेलने के लिए तड़प रहा था, तब किसी ने नहीं पूछा, अब खेलो बोल रहे हो, कहाँ से खेलूंगा मैं? एक काम करो, इस गोविंद को ले जाओ और सिर्फ मैच जीतने के बारे में सोचो। ए, मैंने तो मजाक किया, देखो ये कितना सीरियस हो गए। तुम मिल मुझे दुकान के पास, देख तेरे बाल कैसे काटता हूँ मैं। ये लो। हाँ ठीक है ठीक है, गोविंद कपड़े पहनो। चला जा, ऑफ में जाओ, ऑफ में डालना। स्ट्राइकर्स टीम वाले फुल आत्मविश्वास के साथ मैदान में धूल उड़ाने को सोच रहे हैं, मगर इस बार चंदन स्ट्राइकर्स टीम के साथ उनकी तरफ से खेल रहा है। कुमार थोड़ा डीप में जाओ, डीप में जाओ। मैच शुरू हो रहा है, रघु बाउंड्री लाइन पर बॉलिंग करने के लिए जा रहा है। कम ऑन बॉयज, कम ऑन, इजी रघु। ये तू कैसे खेल रहा है? खेल खेल, जम के खेल। क्यों टेंशन ले रहे हो? फर्स्ट ओवर है, धीरे से खेल, सिंगल ले। सूचना सुनकर बीबीसी ने क्या बैट मारा और एक रन जोड़ दिया है। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। एक बॉल और आ रही है, ओ माय गॉड, क्या शानदार शॉट है, बॉल बाउंड्री में चली गई। क्या शानदार शॉट मारा है, बॉल हवा में उड़ रही है, सिक्सर। अभी सब में चर्चा चल रही है, बॉलिंग करने वाले है बीबीसी, बैटिंग करने चंदन बॉलिंग करने जा रहा है और ये बॉल जा रही है फील्डर के पीछे, फील्डर ने बॉल पकड़ कर फेंक दी है और ये बेहतरीन बॉलिंग, ये देखिए अरे बॉल मिस कर दी। पहले चंदन बैटिंग को कहते हुए, ये तू कैसे खेल रहा है? एक बच्चे की बॉलिंग नहीं मार पा रहा है ये। बॉलिंग कर चंदन, बॉलिंग कर चंदन, बहुत बढ़िया। चंदन तैयार है बॉलिंग डालने के लिए, डाली है ये कैच, कैच, बहुत अच्छे, क्या बात है। चंदन को विकेट मत देना तू अपना।
कैप्टन राम की एंट्री हो रही है। बीबीसी का एक शानदार शॉट। ओहो ये बॉल कहां चली गई। ओहो ये तो मलिंगा के हाथ में है, इसीलिए मलिंगा को शॉट लगा। कभी ना कभी कैच पकड़ेगा तो ऐसा ही होता है। ये मैंने कैच पकड़ लिया। मलिंगा बॉल को पकड़कर पागलों के जैसे नाच रहे हैं। पूरे ग्राउंड में शांति का माहौल छाया हुआ है। अब क्या होगा, कैसे हुआ ये सब? सब कंफ्यूजन में है, बट इट इज अ नो बॉल। सब इंपायर गुस्से में देख रहे हैं। मलिंगा बॉल डालने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने बॉल डाली। ये क्या मलिंगा को अचानक क्या हो गया? हट, मेरी बात सुन मलिंगा, छोड़ो, हट। ए मैंने आज कैच पकड़ा है ना, तो आउट देना। नहीं। अरे यार आउट दे दे यार, इतनी मेहनत से पकड़ी है, आखिर आउट क्यों नहीं दे रहे हो? नो बॉल। नो बॉल? तू कैप्टन इसलिए छोड़ रहा हूँ, दोबारा नहीं छोड़ूंगा, ठीक से बॉलिंग कर। क्या यार मेरे साथ ऐसे काई को करते हैं ये लोग। हर बार दोनों टीम का फाइनल में मुकाबला होता है, लेकिन इस बार सेमीफाइनल में हो रहा है। रॉकर्स टीम ने 15 ओवर में 134 रन मारे हैं। स्ट्राइकर टीम्स को जीतने के लिए 135 रन बनाने पड़ेंगे। अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं, कैसे खेलते हैं। जा एक ओवर में 9 रन चाहिए, बॉल वेस्ट मत करना, जाओ। ए तू वहां मिड विकेट पे जा, वहां मिड ऑन की तरफ आगे चल। और ये देखिए, दो विकेट चला गया, विकेट आउट। बहुत बढ़िया बॉलिंग यार, बहुत बढ़िया। वन डाउन बैट्समैन के बाद ध्रुव आए हैं, वो शुरुआत से ही सिक्स और चौकों की बौछार कर रहे हैं। Hey bro, all the best, huh? Okay. क्या शानदार शॉट मारा है, धुआं मारते जा रहे हैं, शुरुआत से ही अच्छे से खेल रहे हैं। वाह, दर्शकों में फुल एंजॉयमेंट मिल रहा है। वाह क्या बात है, जबरदस्त बैटिंग चल रही है। वाह, ओ टाइगर टीम का एक विकेट और गिर गया। अब राजू आए हैं विकेट पर। स्ट्राइकर्स टीम एक बार जबरदस्त तरीके से फिर से खेल रही है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, बहुत बढ़िया हो ये विकेट बचाते हुए। शानदार बैटिंग कर रहे हैं दोनों प्लेयर। वाह क्या शॉट है, जबरदस्त। ऐसे करिए बस, बहुत बढ़िया। इन लोगों को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। वाह सिक्स, जबरदस्त। क्या बैटिंग चल रही है, शानदार चौके छक्के पड़ रहे हैं, जबरदस्त। यस
दिया, एम्पायर ने आउट दे दिया। बॉल बैट को टच ही नहीं हुई है। हाँ। ऐसा लगता है कि इन्होंने एम्पायर को घुसने के सब एडजस्ट कर लिया इनकी तो। सुन, ऑफ साइड में माना और टेंशन मत ले, ओके? कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, जल्दी भाग, 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 जल्दी जल्दी भाग। भाग, 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 अरे भाग। ये कुमार तू जा, अच्छे से खेलना। स्ट्राइकर्स टीम वाले धीरे धीरे अपना आत्मविश्वास खोते जा रहे हैं। शुरुआत में सब बैटिंग अच्छी कर रहे थे, बाद में धीरे धीरे ढीले पड़ती जा रही है उनकी बैटिंग। अभी नया बैट्समैन कुमार आए हैं, देखते हैं वो कैसा खेलते हैं। ओ, एक विकेट और गिर गया। क्या बात है, सुपर यार, बहुत बढ़िया। जा जा। और बॉल को मारा और ये बॉल हवा में उड़ रही है। शानदार छक्का, क्या बात है, सुपर। बॉल को बजा रहे हैं चंदन। यार सुनना, इसका कुछ ज्यादा ही हो रहा है, देख देख। अरे अरे, इस तरह बॉल से क्यों मार रहा है, दिमाग खराब हो गया है क्या? सॉरी यार। क्या सॉरी? ए सॉरी बोला ना, अब और क्या चाहिए? क्यों मारा तूने मुझे? ए बता क्यों मारा? क्या बोल रहा है तू? बॉल लगने का इतना ही डर है तो घर जाके बैठा? क्या ताकत है तो आकर मारना, खेलना नहीं आता क्या? ऐसे क्यों वार करता है? अरे तेरी तो नहीं छोड़ना मुझे, मैं देखता हूं इसको। रखिए, छोड़िए। शानदार शॉट, जबरदस्त सीधा छक्का। सिक्स पे सिक्स मारे जा रहे हैं और ये, ओ ये क्या, विकेट गिर गया। सुपर यार, बस ऐसे ही डालता रहे बॉल। ओके यार, ओके। ओ वाइड बॉल, बहुत दूर फेंक दी है, उसे एम्पायर ने हाथ दिखाकर बता दिया है। अरे क्या कर रहा तू? ऑफ साइड में डालना, दिमाग से सोच, सेंटर में डाल, नहीं तो पीछे क्यों डाल रहा है? साइड में करो, सोच के तो डाल, चल जा। मैच बड़ी रोमांचक स्थिति में जा रहा है, ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अब टॉस बैटिंग कर रहे हैं। अरे फेंक फेंक फेंक, अरे फेंकना। मेरी बैटिंग आ गई, मेरी बैटिंग आ गई, डंट डट 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 डंट डट डट डट, मेरी बैटिंग आ गई। मलिंगा पिच पर लेटकर कुछ एक्सरसाइज करते हुए, लगता है मलिंगा कुछ नया करने की सोच रहे हैं। वाह, वो पिच का मुआयना कर रहे हैं, लगता है जबरदस्त मूड में आए हैं मलिंगा बैटिंग करने के लिए। दूसरे बैट्समैन उन्हें कुछ समझाते हुए, मेरा वार्म अप पूरा हो गया, अब मारूंगा चौके और छक्के। क्या कर रहा है तू? खेलना। पहली बॉल का सामना करते हुए मलिंगा, और ये देखिए बॉल मिस कर दी और खुद गिर गए। वाह क्या बात है, शानदार बॉलिंग का नजारा। जबरदस्त रन ले लिया, वाह क्या बात है। यार बॉल को पीछे की तरफ से कवर करो ना, बाकी मैं संभाल लूंगा। चल देख, तू बस सिंगल ले ले, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। हां आराम से सिंगल निकालना, मैं हूं, टेंशन मत ले। बॉल और ये, ओ एक और विकेट गिर गया। अब बचे हैं सिर्फ एक विकेट और बनाने हैं 3 रन। ए बैठ दे ना, ला दे। देखो यार, विकेट्स नहीं है, आराम से खेल, मैच जीतना है, निस्पत करना यार, ठीक है? लास्ट विकेट है यार। कम ऑन गोविंदा, कम ऑन, कम ऑन। ए गोविंदा सुन सुन जरा, तू टेंशन मत ले, मैं सब संभाल लूंगा, तू बस आराम से टिके रहना। संभाल कर आराम से खेलो। अब देखते हैं मैच
का क्या मोड होता है? रोमांचक स्थिति में खड़ा है मैच। ऑल द बेस्ट। बॉलर चाहेगा कि विकेट प्लेयर, विकेट बैट्समैन चाहेगा दो रन मैच जीतने के लिए। ठीक से खेलो, मैच अपने हाथ में ही है। अरे इन्हें सिंगल मत लेने देना, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद क्या हुआ भाई? अरे उसके बाद क्या हुआ तुझे क्या बताऊं मैं? तू जानता है ना अपने उस आधे पागल मलिंगा को, क्रीज में आऊं या ना आऊं लगातार यही कर रहा था, और आखिरी वक्त तक फुल टेंशन दे रखी थी उसने। जो मैच आसानी से जीत सकते थे वो लास्ट बॉल पे एंड हुआ, सोचो। लेकिन आखिर में हम वो मैच जीत ही गए। तो फिर वो लोग कहां है भाई? अरे फाइनल मैच खेल रहे हैं तो कप जीतने के लिए लगे हुए वहां पे। अपना फाइनल किसके साथ है? ए कुमार पीछे जाना यार, और पीछे जा। अच्छा थोड़ा सा और पीछे जा यार। है और पीछे जाऊंगा तो बाउंड्री के बाहर खड़ा हो जाऊंगा, देखने रहा क्या? बस ठीक है, ओके। एक क्या कर रहा है तू? तू लेग में डाल रहा है तो वो मार रहा है, तू ऑफ में डालता तो भी वो मारता है, यॉर्कर फेंक रहा तो भी वो मार रहा है। ये हमारा फाइनल मैच है, हमें कैसे भी ये मैच जीतना है। अच्छे से बॉल डाल यार, प्लीज समझा कर। Ba-b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 a